हेलो एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सार्वेंद्र। और मैं यहाँ पे रीटचिंग, फोटो मैनिपुलेशंस, ऑसम कंटेंट, लाइक जो भी होता है फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ सब क्रिएट करता हूँ। हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल होगी, और कोई भी दूसरे यूट्यूबर की तरह यहाँ आपसे कोई चार्ज या आपको वेबसाइट टू वेबसाइट नहीं घुमाया जाएगा। सारी चीज़ें टेलीग्राम में अवेलेबल है, और टेलीग्राम का मुझे एक भी रुपया नहीं मिलता है। सो हर चीज़ आपके लिए है, और यहाँ आप सीखने आते हैं, और मैं आपको जो जो मुझे टेक्निक्स पता है मैं वो आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रो लेवल आर्टिस्ट हूँ, मुझे बस जितनी चीज़ें पता है मैं वो बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही ग्रो करना चाहता हूँ। सो इसलिए ये चैनल स्टार्ट करा है, और थैंक यू गाइज, आपने मेरे को 10K तक भी सपोर्ट करा, और इंस्टाग्राम पे मेरे 15K फॉलोअर्स होने वाले हैं। बस जस्ट इंस्टाग्राम पे जाके आप उसे ज़रूर फॉलो का बटन प्रेस करें, और मेरे को 15K तक पहुंचा दें ब्रो। ये सब जस्ट फन यार, अच्छा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ, और कुछ सेट चीज़ें हैं जो भी मैं बताना चाहता हूँ, और कुछ सही चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सैड चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं। तो सैड चीज़ ये थी कि जब मैंने ये फ़ोटो पोस्ट करी थी, तो मैंने इस पे वोटिंग पोल डाली थी, और वोटिंग पोल में अराउंड हाफ ऑफ दी लोगों ने नो को वोट करा था कि इस फोटो का ट्यूटोरियल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ द मेजोरिटी ने वोट करा था कि इसका ट्यूटोरियल होना चाहिए था। सो जो वो हाफ लोग्स हैं, जितने भी जिन्होंने नो कहा है, वो इस ट्यूटोरियल को जरूर स्किप कर दें। लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको पसंद है। जस्ट जो लोगों ने इसके लिए यस करा था, प्लीज़ ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप जो कलर ग्रेड करते हैं उसका नज़रिया ही मैं बदल दूंगा इस बार आपका इस ट्यूटोरियल के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपको ऑसम ग्रेडिंग सीखनी है, जो यार कोई बताएगा भी नहीं आपको, चाहे आप कितने भी पेड ट्यूटोरियल्स खरीद लो, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, किसका भी वॉच कर लो ट्यूटोरियल, बहुत कम लोग इसे सजेस्ट करते हैं। और एक ये प्रोफेशनल वे है अपनी फ़ोटो को कलर ग्रेड करने के लिए, अगर आपको आता है तो। स्टार्ट करते हैं, और जिन लोगों ने ना कहा था, सो ब्रो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती, अगर आप देखते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, आपके भी काम में आएगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक ग्रेडिंग होती है वो होती है कलर लट से, और वो आप करते होंगे शायद इसमें जाके, ये है हो गया इसमें लट, ये वाला कलर लुकअप, इसमें आप करते होगे, ठीक है। यहाँ आप लट्स लोड करते होगे, जो भी आपको पसंद आता होगा आप वो कलर कर लेते होगे। ये होता है नूब तरीका, लाइक आप दूसरे के कंटेंट पे रिलाई करते हो। जैसे कोई प्रीसेट दे देगा आपको, तो आप प्रीसेट वहां से ले लोगे और जस्ट उसे अप्लाई कर लोगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कलर ग्रेडिंग करी क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कलर ग्रेड करा क्या है, तो यार आप एक तरीके से हैंडीकैप्ड हो जाओगे एडिटिंग के मामले में, और मैं नहीं चाहता कि आप हैंडीकैप्ड बन के फोटोशॉप में घूमो कहीं पे भी। और या अगर आप भगवान करे कि भाई आप हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाएं और आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हों, तो आप फॉलोअर्स को अपना क्रिएटेड कंटेंट दोगे या दूसरों का प्रीसेट उठा के दोगे, तो वो चीज़ आप ज़रूर इग्नोर करें और रिमूव करें। मैं जस्ट जो प्रीसेट देता हूँ, मैं 2 या 3 प्रीसेट यूज़ करता हूँ अपने पूरी फ़ोटोज़ में, जितनी भी मैं क्रिएट करता हूँ, 3 से ज़्यादा मैं 4 से ज़्यादा मैं कभी यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि वो सारे प्रीसेट मैंने खुद बनाए हैं, और मुझे पता है कि उसमें क्या चेंजेस करने होते हैं। और मैं आपके लिए भी उसमें रूम छोड़ता हूँ चेंजेस के लिए, कि आप भी उस प्रीसेट में सीखें जाके, उसके स्लाइडर्स को एडजस्ट करें अपने हाथ से। जब आप उस चीज़ को अपने हाथ से एडजस्ट करेंगे, तो वो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ दूसरा तरीका जो होता है, जो सेमी प्रो बंदे यूज़ करते हैं, तो वो होता है यहाँ से आके फिल्टर में, और फिल्टर में जाके होता है, सॉरी वो गलत लेयर सेलेक्ट कर ली थी, फिल्टर में जाके, और फिर यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर सेलेक्ट करते हैं। ये होता है सेमी प्रो तरीका। तो सेमी प्रो तरीके से होते ही आपको प्रो पे जाना पड़ेगा। ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ जो भी टैब्स होती हैं, इनमें आपको कलर एडजस्टमेंट करनी होती है, जो भी आपको पसंद आती है, लाइक जैसे आप करते हो, लाइक घटाना बढ़ाना, जो वट एवर जो आपको पसंद है, ठीक है।
उसके बाद जो मैं प्रीसेट देता हूँ, जैसे आपको लोड करने होते हैं तो यहाँ से आके लोड सेटिंग में, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर डेस्कटॉप पे आपका प्रीसेट होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका वहीं प्रीसेट आ जाएगा। और जो मैंने प्रीसेट रखे हुए हैं वो मैं अपने दिखाता हूँ, इस फोटो के लिए जो क्रिएट करा था वो था ये सनसेट प्रीसेट, ठीक है, तो मैं इसे हिट ओके कर देता हूँ। और इसमें मैंने क्या क्या रूम छोड़ा है आपके लिए वो है, यहाँ पे भी ये छोड़ा है, ये आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, आप इसे जैसे चाहें वैसे मूडी कलर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने फेस की आप रेडनेस एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने जस्ट ऐसे मॉडिफाई कर रखा है इन सबको कि आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकें हर चीज़ को, और आप पे कहीं इफेक्ट ना आए किसी चीज़ का, चाहे आपको ग्रीनीनेस चाहिए कैसी भी चाहिए, सो आप उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने स्प्लिट टोनिंग भी यूज़ कर रखी है इसमें, जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और बताते नहीं हैं, सो मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जस्ट मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं आपको ही बताऊँगा इसमें सीक्रेट क्या होता है कलर ग्रेडिंग का, ठीक है। तो यहाँ इसे मैं बंद कर देता हूँ, मैंने अभी ये प्रीसेट अप्लाई कर दिया है, सो ये है प्रीसेट। अगर मैं आपको वैसे दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, तो ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन से इसके अंदर मैंने प्रीसेट में कर रखा है, इससे क्या होता है 50 mm जब होता है लेंस, तो आप इसमें अगर नोटिस करें तो फोटो एक पॉप होती हुई आ रही है बाहर से, तो जो 50 mm है वो बल्ज आउट लेंस है, मतलब उसके आगे लेंस थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है जिसकी वजह से फोटो में क्रिएट आ जाता है, और इसे मतलब आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इमेज फ्लैट नहीं लग रही है इसमें, जैसे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा आगे निकली हुई है, फ्रंट पॉइंटेड फॉरवर्ड है, इसमें क्या है वो पॉइंटेड बैकवर्ड हो गई है और फ्लैट हो गई है पूरी इमेज, ठीक है। आप यहाँ से ये अंदाजे लगा सकते हैं ग्रास को देख के, ठीक है, आपको ग्रास को देख के अंदाजे लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ वाइट लेयर इसलिए डाली है कि आपको ये पता रहे कि आप ऑल्ट दबा के इसे सॉरी गलत लेयर, इस लेयर को, और आप रिसाइज कर लें जितना आपको चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे डन, तो फिर यहाँ से आपका आएगा नेक्स्ट लेवल, यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आप सेमी प्रो हुए हो, अब इसके आगे आपको प्रो चीज़ें करनी है। तो इसमें इसके बाद जो एक स्टेप होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, अगर आपको नहीं करनी है और आप जल्दी में है तो यहाँ से आप मिक्सर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो मिक्सर ब्रश में आते हैं, मैं मिक्सर ब्रश ले आता हूँ इधर, 1 मिनट। सो ये मिक्सर ब्रश यहाँ पे आ गया है। अब इसकी जो सेटिंग होगी किसी पे भी कर सकते हैं, लाइट मिक्स पे सही चलता है, सो आप यहाँ से फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं, फिक्सेस हैं, वो आप उसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं इससे। तो लाइक ये पूरा रीटचिंग गाइड नहीं होगा, मैं इसमें पूरा अच्छे से भी नहीं बताऊंगा कि रीटचिंग कैसे करते हैं, लेकिन आपको जल्दी के लिए रीटचिंग जरूर आ जाएगी इसमें, ठीक है। सो रीटचिंग पे मैं इतना ध्यान अभी दे नहीं रहा हूँ, जस्ट मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं वो क्लियर आउट कर रहा हूँ यहाँ से। सही के प्रो टिप है, अगर आपको नहीं पता तो लाइट एंड मोड से आप ब्लेमिशेस रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, बहुत कम लोग करते हैं मैंने देखा है। सो यहाँ मैंने अपने फेस को थोड़ा सा रिटच कर दिया है, अगर मैं बात करूँ अपने फेस की फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल गया होगा। अब इसके बाद इसे कलर ग्रेड लेके और इस पॉइंट तक कैसे लाऊं मैं, ठीक है। कलर ग्रेड देके यहाँ तक लाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ग्रेडियंट मैप।
ये होता है एक नेक्स्ट लेवल चीज। तो ग्रेडियंट मैप कुछ भी हो सकते हैं, कलर कहीं से भी हो सकते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे डाउनलोड कर रखे हैं कहीं से भी। सो इनमें से कोई एक ग्रेडियंट पैक लेता हूँ जो मैंने यूज़ कर रखा है, और मुझे जो भी अच्छा लगता है, जैसे मुझे ऑरेंज स्टोन बहुत पसंद है तो मैं ये लाइट ऑरेंज ले लेता हूँ। तो हिट ओके कर देता हूँ। अभी ये फोटो बहुत वर्स दिख रही है। अब आप प्रो मॉड्यूल में आ गए हो, यहाँ से आपको चेंज करना है ह्यू में। तो आप देख सकते हैं एकदम से ही फोटो में एक नेक्स्ट लेवल की सेचुरेशन क्रिएट हो गई है, और जस्ट इसे आप मास्क आउट कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, ब्रश गलती यूज़ कर रखा है मैंने, तो आप मास्क आउट कर लीजिए यहाँ से कि हाँ मुझे ये एरिया नहीं चाहिए अपनी फोटो में जो कवर हो जाए। और वैसे जैकेट को ना करें क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसी पे पड़ रहा होता है ग्रास का, तो पता चल जाता है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा जूम करके आप यहाँ पे भी ये फिल आउट कर सकते हो अच्छे से। ध्यान रहे कि आप ग्रीन कलर कहीं छोड़े ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग सी ही पॉप चीज आ गई है। अब इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट चीज कर रखी है वो है मैंने क्लाउड्स ऐड कर रखे हैं इसमें। तो क्लाउड्स में ड्रैग कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से क्रिएट करूँ क्लाउड्स बैठ के। तो क्लाउड्स ऐड करने करना बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल और टीडियस टास्क नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। और उसको आप ये देख सकते हैं ऐसे, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, सो क्लाउड्स डालना तो बहुत इजी है, अगर आपको नहीं आता है तो वो इसके ट्यूटोरियल में अलग बना दूंगा। ठीक है, क्लाउड्स जस्ट मास्क करके ऐड करना होता है कि जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ ऐड करके आपने मास्क के सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैंने बर्ड्स ऐड कर रखे हैं। बर्ड्स की तो ये पीएनजी है, कोई वो नहीं है कि अलग चीज़ है, डायरेक्ट पीएनजी है, इम्पोर्ट कर सकते हैं आप, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये रेडी टू गो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने स्टैम्प लेयर क्रिएट कर दी है और मैंने कलर एफेक्ट्स यूज़ करा है, और यहाँ थोड़ा सा मैंने अपने जैकेट को भी सही कर रखा है। तो यहाँ कलर एफेक्ट्स मैंने यूज़ क्यों करा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ जो ये फोटो में अभी अचीव हो गया है, इसमें करते हैं ऑल्ट शिफ्ट कमांड ई, जिससे आप एक स्टैम्प लेयर क्रिएट कर देंगे। सो स्टैम्प लेयर क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब इस स्टैम्प लेयर को मैं ले जाता हूँ कलर एफेक्ट्स में। अगर आपको नहीं पता नेट से ये कैसे मिलता है तो कहीं से भी कर लीजिए, क्रैक है डाउनलोड हो जाएगा। और गलती से मैं दूसरे में आ गया, फिल्टर नेक कलेक्शन कलर एफेक्ट्स फ्री में मिल जाएगा आपको नेट में, इतना पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं इसमें देखूं अभी तो ब्रिलियन एंड वार्म्थ में आता हूं मैं। सबसे पहले मुझे थोड़ी ब्लू कलर चाहिए होगा अपने स्काई में, क्योंकि अगर आप ज्यादा येलो करेंगे तो फोटो कुछ ज्यादा येलो दिखती है। सो मैं थोड़ी ब्राइटन अप कर लेता हूँ स्क्रीन अपनी। सो यहाँ थोड़ा ब्लू ज्यादा रखूंगा मैं, ओवर ओवर रखना है ब्लू, क्योंकि कईयों के डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है कि ब्लू कम दिखता है। सो ब्लू ज़्यादा रखें, और कई फिल्टर यूज़ करते हैं वो वाला आई वाला, तो उसकी वजह से भी होता है। सो ब्लू थोड़ा रखें और परसेप्चुअल सेचुरेशन थोड़ी ज़्यादा रखें इस बार। ठीक है, फिर एड फिल्टर करना है आपने, फिर डार्कन एंड लाइटन सेंटर करना है। तो अब आपको यहाँ पे फर्क दिख गया होगा थोड़ी सी देर में कि हम क्या करने जा रहे हैं, और फिर थोड़ा सा इसे टू एंड फ्रो करके देख लेता हूँ।
इतना सही लग रहा है, ठीक है। और बॉर्डर मैंने लुमिनोसिटी को थोड़ा सा कम और सेंटर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि फेस कम ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऐड फिल्टर में आना है और नीचे है प्रो कंट्रास्ट, तो प्रो कंट्रास्ट से आपने यहाँ कलर करेक्ट करना है थोड़ा सा और डायनेमिक डालना है, डायनेमिक से फोटो में जान आती है। सो फिर यहाँ पे ओके हिट करना है, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा और फोटो रेंडर होके पूरी अपने आप आ जाएगी आपके सामने। सो यहाँ ये फोटो आ गई है मेरे पास, रेंडर हो गई पूरी। अब मैं इसमें देखता हूँ, यहाँ थोड़ा फेस पे मैंने कर्व से और एक्सपोजर से थोड़ा थोड़ा मैंने ब्राइटन अप कर रखा है और फिर लोगो डाल दिया अपना। अब ब्राइटन अप करने की मुझे क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को फेस पे आपके पूरा अटेंशन लेके जाना था। तो यहाँ से जस्ट मेरे कर्व्स लिफ्ट करूँगा। अभी देख सकते हैं आप, फोटो बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट दिख रही है, लेकिन इतना चलता है। सो यहाँ से आप थोड़ा स्किन को अच्छे से ओवर ब्राइट करें, क्योंकि कईयों की फ़ोन की डिस्प्ले में ब्राइटनेस नॉर्मल रहती है, सो उनको दिखाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा अगर उनके लाइक्स अचीव करने हैं आपने तो। सो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ गया है। अब उसके बाद एक्सपोजर यूज़ करना है आपने, ज़्यादा यूज़ करना है इसे, ठीक है। और फिर कमांड इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद जस्ट फेस पे धीरे धीरे पेंट करना है और यहाँ से फ्लो आपने कम कर देना है बिल्कुल। और तो बहुत स्लो 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 ग्रेजुअल ब्रशिंग करनी है यहाँ से। तो अगर मैं आपको दूर से करके दिखाऊं तो आप थोड़ा सा स्लाइट नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है फेस कॉन्टर क्रिएट करना, बस यही चीज़ थी इसमें। और फिर यहाँ पे अपना लोगो आप इंसर्ट कर सकते हैं इजीली और जस्ट कंप्लीट। और फिर उसके बाद मैंने एक ब्राइटन एंड उसका भी डाल रखा है, ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट का। तो ये चीज़ मैंने क्यों डाल रखी है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्लिक करके और नहीं, यहाँ पे जब आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे आएंगे तो ऑटो पे क्लिक करना होता है। मैं हर बार हर चीज़ में क्यों बोलता हूँ ये। सो यहाँ फोटो ने मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट ले रखा है कि मेरे फोटो में ये कॉन्ट्रास्ट कम है और इतनी ब्राइटनेस कम है। तो ब्राइटनेस 0 से 9 तक है तो चल सकती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट 45 तक का है तो कॉन्ट्रास्ट में मेरे जरूर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो जस्ट लाइक फोटोशॉप के एल्गोरिदम के हिसाब से मैं खराब हूँ, तो मैं यहाँ से एक एस कर्व डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा एस कर्व रहेगा, ठीक है। और लिटिल बिट यहाँ से मैं ब्राइटनेस ऐड कर देता हूँ हल्का सा। अब कर्व्स को मैं थोड़ा सा घटा दूंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ओवरडू लग रहा है मुझे। और फिर कंट्रास्ट थोड़ी रिमूव कर लेता हूँ इसमें से। और हाँ, अब ये मुझे इमेज बहुत अच्छे लगने लगी है। लाइक अब आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ गया है इन दो एडजस्टमेंट की वजह से, इन तीन की वजह से। आप देख सकते हैं ग्लू कितना अच्छा क्रिएट हो गया है। सो यही था एक मेन। और फिर आप स्टैम्प क्रिएट कर सकते हैं और जो भी आपको लोगो लगाना है आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है फोटो की कलर एडिटिंग पे। और कलर एडिटिंग बहुत ही इजी था इसमें, और ये कोई नहीं बताएगा आपको इतना डीप ले जाके, लाइक इस पॉइंट से वहाँ तक लेके जाना, लाइक लोग बहुत ही रेयर ही बताएंगे आपको। सो ये एक 3 बजे की लाइटनिंग कंडीशन में, मतलब दिन की लाइट में है। सो ऐसा भी कोई आपको नहीं बताएगा जल्दी, वो शाम वाम की फोटो में दिखाते हैं जो भी करके दिखाते हैं अदर यूट्यूबर्स। सो
सो मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, जस्ट मैं अपना कंटेंट क्रिएट करता हूँ, वो अपना करते हैं। सो थैंक यू गाइस, आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊं, और हर चीज़ बताई है मैंने इसमें, और जिन्होंने नहीं देखा सो वो उनकी गलती है, जस्ट मैंने आपको बताया। और अब आप रेडी हो गए हैं कलर करेक्शन के लिए, सो आप अपना ऑसम कलर करेक्शन खुद कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।